मिला था, और बावजूद भी मैंने उसको उसी वक्त उस पर कुछ वो नहीं किया। मुझे लगा कि जब तक चीज़ों को सही तरीके से जानकारी न प्राप्त हो जाए उसके बारे में कुछ भी कहना या लिखना सही नहीं होगा। तो फिर आज उसकी जानकारी के लिए यहाँ तक आई हूँ। वीडियो हम लोगों ने पहले भी देखा है, कई चैनल सब तक चला चुके हैं, क्योंकि वो लाइव वीडियो था किस तरीके से GRP के द्वारा बबरतापूर्वक लाठी चलाया गया। और जिसकी बात हो रही है वो अपनी बुआ को छोड़ने के लिए स्टेशन तक पहुँचा था, और वहाँ पे कुछ बातचीत हुई किसी और से हुई। अब ये सब चीज़ें अब आम हो गई हैं कि जनरल बोगी में भी पैसे मांगे जाते हैं एडजस्ट करने के लिए। उससे रिलेटेड मामला था, पैसे की मांग की जा रही थी या क्या था वो एक अलग मैटर, लेकिन जिस बावरता से मारपीट की गई है जिससे कि उसके पेट की अतरी तक बड़ी चुकी फ्रांग नाम है शायद, उसके पेट की अतरी तक बाहर आ गई है। लोगों का कहना है कि नहीं उसका एक ऑपरेशन पहले भी हो चुका था। भैया ऑपरेशन पहले एक हो, दो हो, तीन हो, आपकी लाठी में इतनी ताकत आई कहाँ से? बिहार पुलिस की लाठी में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये जनता का राज है बिहार में या पुलिस का राज है? मुझे लगता है कि यहाँ पे समय समय पे जो रक्षक की भी इसमें रक्षक बैठे हैं उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए, मनोचिकित्सक से उनकी समय समय पे उनको ज़रूरत है काउंसलिंग की, ताकि पता चल सके कि रक्षक के भी इसमें कहीं भक्षक तो नहीं है, और अगर भक्षक है तो उसको नॉट फिट फॉर ड्यूटी और दिक्कत वो दे करके उनको तुरंत तत्काल नौकरी से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो रक्षक हैं जो भक्षक बने हुए, जनता उससे कहीं ना कहीं डर में है, और एक अजीब सा माहौल बनता है, डर का माहौल बनता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जिस पुलिस वालों ने ये हरकत की है उस पर अटैम्प्ट मर्डर का चार्ज तुरंत लगाया जाना चाहिए, और इस तरह के बाकी भी ऐसे मानसिकता के जो रक्षक जो रक्षक बने हुए हैं उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए। उनके अंदर से ये गुरूर तोड़ने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जनता का राज है, पुलिस का राज नहीं है। और अगर यहाँ की सरकार ये कहती है कि यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस का राज है, तो पुलिस का राज में इस तरह की व्यवस्था होना क्या यहाँ के सरकार के संरक्षण से प्राप्त है, जो इतनी बड़े दुस्साहस वो कर जा रहे हैं और फिर भी अपने आप को सुरक्षित समझते हैं यहाँ के बच्चे? डॉक्टर साहब से आपने मुलाकात हुई, क्या कहा डॉक्टर ने, कैसी स्थिति है? डॉक्टर ने बताया कि जब मरीज यहाँ पे पहुँचा लाठियों की मार से या जो भी बीमार हो उसकी वजह से उसके पेट की पेट फट के अतरियाँ बाहर आ चुकी थी, जिसका उन्होंने इलाज किया है, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है मरीज के बारे में, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन कर दिया गया है। हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो मरीज ठीक हो जाए, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, उसका छोटा भाई है जो उसके ही ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक मरीज से भी आपकी बात हुई, क्या बताया उसने? भी यही बताया कि बहुत बुरी तरीके से GRP के द्वारा मारा गया, इस तरह से डंडे से पीटा गया कि उसकी आँख जो है वो बाहर आ गई है, और उसकी वजह से जो भी है तो उसकी तकलीफ होती है। इस तरह की बारवरता पुलिस का देखा जा रहा है, लगातार इस तरह की बारवरता की जा रही है, और सरकार एक तरफ डोरा पीट रहे हैं कि जनता की बात। ये नमूना है उस बात का, एग्जाम्पल है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि बिहार में जनता का राज नहीं बल्कि बिहार में पुलिस का राज है। और आप सब भी सावधान रहिए, अगला डंडा कहीं आप पे भी ना हो। माइक लेकर के आए तो है आप लोग कवर करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि अगला नंबर 13, तो ये अगला नंबर किसी का भी राज हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जनता का राज नहीं पुलिस का राज है। तो आपको दिखाता है सच का आईना।